मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। घर चलो साजिद बेगम, तुम्हारे बगैर बच्चियां बहुत परेशान हैं और तुम्हारे बगैर साजिद बेगम इस दामाद के घर आके बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बेटियां हैं, उनको बेटियां मत समझो, औलाद समझो। तुमने उनको पैदा किया है, मां हो तुम उनकी, और उनसे ज्यादा बड़ा सहारा हमारे लिए और क्या होगा। अगर वो तालीम हासिल करना चाहती है तो उसमें क्या खराबी है, उसका अच्छा रिश्ता आए तो कर देना उसकी शादी, मगर उस रिश्ते में उसकी पसंद का शामिल होना जरूरी है। ये उसका कानूनी और शरई हक है साजिदा बेगम। ये मेरी भी माँ है अब्बू जी, आप चाहे मुझे अपना बेटा समझे या ना समझे, लेकिन मैं खुद को आपका बेटा ही समझता हूँ। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अब्बू जी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके और अम्मी जी के अलावा और कोई भी नहीं है। और अगर आप मुझे इतना ही गैर समझते हैं तो ठीक है, मैं अपने बीवी बच्चों को आपके पास छोड़ देता हूँ और यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ अब्बू जी, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हुए हो, तुम हमें छोड़ कहाँ जा सकते हो। अबू जी आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगा ना तो आपकी बेटी और उसके बच्चों को आपसे जुदा नहीं करूंगा, आपके पास छोड़कर जाऊंगा। फिर मेरा क्या है अबू जी, मैं तो बस अपना सामान उठाऊंगा और कहीं भी चला जाऊंगा। शाहनवाज ऐसा कभी सोचना भी मत तुम। मायरा को पता है तुम उसका बर्थडे केक लेकर आ रही हो? सरप्राइज दे रही हूँ उसको, पिछले साल उसने भी मुझे सरप्राइज दिया था ना, चाहिए तो तोहफा तक लेकर आई थी। कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सिर्फ केक लेकर आऊंगी, लेकिन वो इस पे भी खुश हो जाएगी, है ना? जाहिर है, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इकलौती फ्रेंड है मेरी, उसके अलावा तो हमें कहीं जाने की इजाजत भी नहीं मिलती। शुक्र है बचपन से ये किसी घर में आना जाना तो है। माहम तुम अब इस वक्त जा रही हो, वक्त देखा तुमने? अम्मी बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, आपको बताया तो था। अरे बेटा तुमने तो कहा था कि मैं शाम में जाऊंगी, अब तो रात हो रही है, देखो कितना अंधेरा हो गया। अम्मी मगरिबी तो हुई है, अब सूरज की रोशनी में केक पर मोमबत्ती जलाकर तो नहीं लेके जा सकती थी ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे दूल्हा भाई को लड़कियों का रात में निकलना पसंद नहीं है, अगर वो आ गए तो मैं कौन से दूर जा रही हूँ अम्मी, मायरा का घर इसी गली में तो है, फौरन आ जाऊंगी। चलो ठीक है फिर, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। थैंक यू अम्मी। और कुछ जरूरी मामले Happy birthday to I'm so sorry, शायद अलग घर पर आ गई, I'm really sorry। अरे बात तो सुनिए, अब अगर आ गई है तो अंदर आ जाइए। वैसे मेरी भी बर्थडे आज, मुझे भी विश कर दे। जी कुछ नहीं। घर तो यही है मायरा का, ये कौन है? अरे आप फिर से आ गए, आप मायरा को बुला सकते हैं प्लीज,
मैं उसकी दोस्त हूँ, उसकी बर्थडे तो विश करने आई थी। मुझे भी विश कर दे। आपको क्यों विश करूंगी? ऐसी तरस खाकर या फिर एक अजनबी मुसाफिर समझ। कौन है शावेज, किससे बातें कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मेरा दिल कह रहा था अंदर आओ ना, मेरा दिल कहता है कि तुम मेरा बर्थडे केक जरूर लेकर आओ। कब से खड़ी हुई हूं बाहर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ से आ रही हो? वो दूल्हा भाई दोस्त के यहाँ गई हुई थी। ये कौन सा वक्त है घर से बाहर रहने का? मैं जानता हूं कि मेरी बात सबको बुरी लगती है। सच्ची बात करता हूं ना, इसीलिए कड़वी लगती है। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं अम्मी जी और अब्बू जी के बुढ़ापे की वजह से तुम लोगों के मामले में दखल देने पर। भला बताओ, रात के अंधेरे में लड़की का इस तरह घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? अरे अब्बू जी की बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। दूल्हा भाई, मैं मायरा के घर गई थी। बचपन से एक वही घर है जहां मैं जाया करती। बचपन? अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो। लेकिन उसकी बर्थडे थी तो विश करने चली गई। पूरे मोहल्ले में सिर्फ उसके ही घर जाती हूँ, वो भी अम्मी और अब्बूजी की इजाजत के साथ। इजाजत से? ठीक है भाई, मुझे तो इस घर का निजाम ही समझ में नहीं आ रहा। भला ऐसा होता है जवान बेटियों वाला घर? मेरे ख्याल में तो मुझे ही खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आज से मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, खामोश, कुछ नहीं बोलूंगा। माँ हम मुझसे पूछ कर गई थी, मैंने भेजा था उसे। शाहनवाज बेटा, बेटा तुम चुप क्यों हो? बहुत परेशान हूं मैं अम्मी जी, समझ नहीं आ रहा। चुप भी रहना चाहता हूं लेकिन रह ही नहीं सकता, बात ही कुछ ऐसी है। अम्मी जी, आप लोग प्लीज लड़कियों को समझाएं। हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला ठीक नहीं है। अजीब उबाश किस्म के लोग आते जाते हैं। लड़कियों का इस तरह घर से रात के वक्त बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। मुझे बेटा वो ज्यादा दूर नहीं गई थी, ये मायरा की तरफ तो गई थी, उसकी सालगिरह का केक लेकर। और रोज रोज नहीं जाती वो। हाँ लेकिन दिन के वक्त चली जाती ना, रात के वक्त जाने की क्या जरूरत थी? लोगों के घर के माहौल का पता होता है क्या? बेटा कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मायरा के घर कोई मर्द नहीं है, उसका भाई कोई है नहीं। उसके अब्बा तो मुल्क से बाहर रहते हैं, घर पर सिर्फ माँ बेटी होती है। अम्मी जी, इससे क्या फर्क पड़ता है?
हमें तो अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है ना। आजकल का माहौल आप जानती हैं कैसा है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और लड़की जात के मामले में तो वैसे भी बड़ा मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पे इस तरह के मामले में। अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हम बहुत खुश नसीब, हमारे मोहल्ले में सारे शरीफ लोग, मुझे तो आज तक कोई अबाश लड़का नहीं टका। अबू जी अब मैं आपको कैसे समझाऊं, बहरहाल मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपकी औलाद है, आप लोग बेहतर समझते हैं। शायद मेरा इन पर इतना ही हक है। अरे बेटा खाना खाते जाओ। नहीं अम्मी जी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुझे लगता है नाराज हो गया, आप भी जो मुंह में आता ना बोल देते। चाय। बात सुने। कुत्सिया मास्टर्स करना चाहती है, आप पता करिए ना एडमिशन्स कब से होंगे। क्या करना तुम्हारी बहनों को पढ़ लिख कर, आगे शादी करनी है ना, उसके लिए तैयार करो उन्हें। घर के काम काज तो कुछ आते नहीं है, एक काम बोल दो मुंह भूल जाता है। बिला वजह ये तालीम में पैसे जाया करके क्या फायदा। कुछ से तो बचपन से ही आगे पढ़ना चाहती थी, अम्मी ने खाम खाम से घर बैठा दिया। अगर उन दिनों अम्मी बीमार ना पड़ती ना तो वो कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती। देखें जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता तब तक पढ़ाई शुरू करने में हर्ज ही क्या है। आजकल तो लड़कियां पढ़ाई में कितना आगे जा रही हैं। आगे जा रही हैं फिर वो आगे ही चली जाती हैं, वापस नहीं आती। मैं तो इस पढ़ाई के बहुत खिलाफ हूँ, और तुम यकीन करो अगर तुमने भी दो चार क्लासेस ज़्यादा पढ़ी होती ना मैं तुम्हारा रिश्ता कभी भी ना मांगता। और वैसे भी आजकल का माहौल देखा है, और मैं तो ये माहम है ना माहम, इसकी पढ़ाई के भी खिलाफ हूँ। माहम? माम का तो ख्वाब है कि वो मास्टर्स करे। आपने देखा तो है बचपन से ही किताबों से चिपकी रहती है। तुम्हारी बहनों के तो ख्वाब ही नहीं खत्म होते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहनों का दुश्मन हूँ? नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं बेवकूफ हूँ ना, इंतजार करूंगा कि तुम कब ऐसा कहोगी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं। और सुनो अपनी अम्मी से घर के डॉक्यूमेंट्स मांग लेना, मुझे जरूरत है। घर के डॉक्यूमेंट्स? खैरियत आपको क्या जरूरत है? अरे भाई लोन के लिए अप्लाई करना है, अब घर के डॉक्यूमेंट्स जमा कराऊंगा तो लोन मिलेगा ना। इस घर के डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिलेगा नहीं, पहले भी एक बार लोन ले चुका हूँ। और जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना उतनी जल्दी लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए। अब क्या सोच रही हो शाजिया? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपने बच्चों के। कभी तो अपनी बहनों के अलावा किसी और के बारे में सोचो। देखो अगर आज जमा करूंगा ना तो कल उनके लिए काम आएगा। तुमने देखा नहीं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, और हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। देखो शाजी अपना कारोबार होगा ना तो अच्छी कमाई होगी, और अच्छी कमाई होगी ना तो खुश आराम से जिंदगी गुजारेंगे। समझ रही हो ना? मैं अम्मी से बात करती हूँ, बच्चों को देख लूँ जरा। आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना लेते हैं, घर में क्या हो रहा है आपको तो कुछ खबर ही नहीं। मुझसे पूछिए ना ऐसा, चार चार बेटियों का बोझ मैंने किस तरह से उठाया। बेटियों को बोझ समझती हो साजिदा बेगम? याद है हर बेटी की पैदाइश से पहले कितनी मन्नतें माना करती थी, उम्मीद नहीं होती थी कि बच्चा जिंदा पैदा होगा। बेटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए।
लेकिन बेटा तो मेरे नसीब में ही नहीं था। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने शाहनवाज की शक्ल में दामाद नहीं बेटा दिया है मुझे, जिसने मेरे कंधों का बोझ उतार दिया। अब मुझे अपनी बेटियां महफूज लगती। जरा सोचिए ना साहब, कल कला को हमें कुछ हो गया तो क्या होगा हमारी बेटियों का? कौन करेगा हिफाजत उनकी इस जंगल जैसे जमाने में? मेरी बेटियां अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं, आपस में बहनें हैं, और अगर बेटा होता तो वो क्या कर लेता? नहीं समझेंगे आप, कभी नहीं समझेंगे, मगर कम अज कम शाहनवाज का हाथ अपने इस घर पर से उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। मायरा, तुम्हारी दोस्त यहाँ करीब में ही रहती है क्या? कौन सी दोस्त? वही जो कल रात आई थी। कैसी दोस्त हो तुम? उसे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की, तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, और तुम उसे क्यों भूल गई? बेवफा दोस्त हो तुम। जी नहीं, मुझे नहीं पता था तुम माहम के बारे में बात कर रहे हो। वहाँ यही करीब में रहती है, वैसे तुम क्यों पूछो उसका? रिश्ता लेकर जाना है तुम्हारी दोस्त के घर। क्या? मजाक कर रहा हूँ, तुम जो उल्टे पुल्टे सवाल पूछती हो। कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बस बोलते रहते हो, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरी दोस्त के बारे में ऐसी बात करे। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हारी बर्थडे पर इतना कुछ किया, तुमने उसकी एंगेजमेंट पर उसे क्या दिया? उसकी एंगेजमेंट कब हुई? वो एंगेज नहीं है। वैसे तुम सीधी तरह क्यों नहीं पूछते कि वो एंगेज है या नहीं? फिर तुम पूछती क्या, क्यों पूछ रहे हो? अब हर क्यों का जवाब नहीं होता। खाला ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा या मेरे दोस्तों पे नजरें रखने के लिए? अम्मी को बताना है ना, मैंने शामत आ जाएगी तुम्हारी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई खूबसूरत चेहरा नजर आ जाए तो उसे नजरें हटा ली जाए। वैसे तुम्हारी दोस्त कैंडल्स की रोशनी में लग बहुत खूबसूरत रही थी। बस कर दो, अब कुछ जान छोड़ दो इन किताबों की, कुछ घर के काम काज पर भी ध्यान दे दिया कर। कुत्सिया को देखो, कितना अच्छा खाना बनाने आता है, सब कुछ बना लेती, फिर भी अल्लाह जाने क्या मसले मसाइल आते हैं इसके रिश्तों में। मुझे अभी शादी नहीं करनी है शाजी, आपकी अभी तो पढ़ना है। क्या कर लोगी इतना पढ़ के? एक लड़की भला कितना पढ़ सकती है? एक लड़की बहुत पढ़ सकती है, आपने भी देखा नहीं है। करनी तो आखिर में उसे शादी है, खुद को शादी के हिसाब से तैयार कर। वैसे भी तुम्हारे दूल्हा भाई को जरा नहीं पसंद यूनिवर्सिटी जाना, लड़कों के साथ पढ़ना। जब वक्त आएगा तो देखेंगे, फिलहाल तो मुझे मास्टर्स करना। अच्छा भाई पढ़ लेना, कम से कम खाना बनाना तो सीख लो, अभी तक ढंग की गोल रोटी नहीं बना सकी हो तुम। इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाई थी कल तुमने, तुम्हारे दूल्हा भाई ने तो ढंग से खाना ही नहीं खाया। ठीक तो बनाई थी? हाँ बड़ी ठीक थी, सारी भूसी टुकड़ों में गई। बल्कि कुत्सिया हमारे लिए ना तुम ही रोटियां बना देते हो, बल्कि काम करो अभी 5 रोटियां बना दो, जल्दी से जाओ उठो फौरन। जी बाजी। माहम तुम ही संभाल लिया करो मुन्ने को, अपने घर में पूरा दिन अकेली में लगी रहती, घर का इतना काम का चुपर से ये बच्चे, थक जाती हूँ मैं यार। आप जाने कुछ
तो शाजी आप दूल्हा भाई को क्यों नहीं कह रही थी कि वो आपके साथ काम करा रहे हैं? और कुछ नहीं तो बर्तन तो धो ही सकते हैं, इससे पोछा लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। शर्म नहीं आती? मर्द अच्छा लगता है घर के काम काज करते हुए। इसमें शर्म की क्या बात, जो मर्द घर के काम नहीं कर सकता है फिर उसको कोई हक भी नहीं है। बस कर तू, आने वाले होंगी वो भी, सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। क्यों तुम लोग मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हो? मेरे शौहर इतना करते हैं तुम्हारे लिए, जान छिड़कते हैं तुम लोगों पर। ऑफिस से इतने थके आ रहे आते फिर भी बगैर बोले तुम लोगों की खबर लेने आ जाते। मुझे तुम लोगों से ज्यादा अपना घर और अपने शौहर की इज्जत अजीज है। अगर उनकी इज्जत की खातिर मुझे इस घर को छोड़ना पड़े ना तो वो भी छोड़ दूंगी। मालूम है मुझे। सही कहते हो, कदर ही नहीं होगी कोई। इतना कुछ करते हैं इस घर के लिए, ना हो ना वो इस घर में लग पता जाए सबको। तेरी आपा क्या लेके आई आज फिर? ये देख, माशाल्लाह तो कितना खूबसूरत है। साइदा इसकी छोटी सी फैमिली है, एक बहन है शादीशुदा, जो छोटी है दूसरी, हाय हाय वो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती है, और कोई चिड़चिड़ वाली फैमिली नहीं है। ठीक है आपा, शाहनवाज आता है ना तो करती हूँ उससे बात। साजदा मेरी बात सुन, बुरा ना मनाना, ना जाने तुम्हारे दिमाग को कौन सा अनोखा रिश्ता पसंद आएगा। इतने रिश्ते मैंने किसी को नहीं दिखाए। अरे सुरैया आपा, वो मेरा दामाद नहीं, बिल्कुल बेटे जैसा है, और वो मेरी बेटियों को अपनी साली नहीं अपनी सगी बहने समझता है। अगर मेरा अपना सगा बेटा भी होता ना, वो भी इतनी छानबीन करता। साजदा इतना वसवसा अच्छा नहीं होता। एक पिछले 8 साल से मैं रिश्ते करवा रही हूँ, कोई मजाल है मुझे बताए कि किसी रिश्ते में किसी के साथ कोई धोखा हुआ हो? मैं खुद ही ऐसे रिश्ते पसंद नहीं करती जिससे मैं खुद मुतमईन ना हूँ। सही कह रही हैं सुरैया आपा, इसीलिए तो आपसे कहा है रिश्ते का, आप पर एतबार किया है हमने। चल अच्छा, शुक्र है तुमने बात मान ली मेरी, बिस्मिल्लाह करके हाँ कर दे। ये हमारी बेटी कुसिया राज करेगी, मेरा दिल कह रहा है। ठीक है सुरैया आपा, मैंने कहा ना शाहनवाज आता है, मैं उससे बात करके बताती हूँ आपको। अच्छा चलो ठीक है, बात कर लेना, लेकिन इस लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ठीक है आपा, अभी आप जाएं, लगता है शाहनवाज आ गया, मैं बाद में फोन करके आपको बुलवा लूंगी। अच्छा लेकिन बाद में बता देना मुझे, क्योंकि आयशा ने भी मुझे अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए कहा हुआ था, अगर ना जवाब आए तो फिर ये मैं रिश्ता उसे भी ये मैं दिखा दूंगी। ठीक है जाएं जाएं जाएं, अभी तो जाएं। अल्लाह, लगता है कि कोई सौदा तय नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाह रहे हो मियां? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कारोबार काफी हल्का जा रहा है। कैसा कारोबार? यही रिश्ते विश्ते कराने का कारोबार। वैसे तो दोनों तरफ से मिलते होंगे, कितना कमा लेती हो, लेकिन अगर कारोबार में डंडी मारो तो नुकसान होता। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कोई पानी का ही पूछ लो, ठंडा पानी पिला दो, इस गर्मी ने तो आज जान ले ली है। जी दुला भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम क्या हर वक्त इन किताबों में घुसी रहती हो, किताबी कीड़ा बन के ऐसी लगी रहती हो, या कोई फायदा भी है? नहीं दुला भाई, एग्जाम सर पर है ना इसलिए। अच्छा टॉप करोगी, पोजीशन लोगी? अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के साथ साथ बहनों का काम में हाथ बटाया करो, कोई फायदा ही हो जाएगा। हाँ
अच्छा, अगर जहमत ना हो और पढ़ाई में ज्यादा हर्ज ना हो तो एक अच्छी सी चाय बना दो मुझे। जी बिल्कुल। अरे भाई पानी ले आओ, हलक सूखा जा रहा है या कुएं से लेने चली गई? ये ले। इतना गर्म पानी, इस घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए। दुला भाई मैं तो फ्रिज से लेकर आई हूँ, लगता है फ्रिज काम नहीं कर रहा। चलो अब फ्रिज बनवाने के लिए भी मुझे बंदा ढूंढने जाना पड़ेगा तो इस घर में काम होगा, वरना मेरे बगैर तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं है। अब जाओ फ्रीजर में देखो, अगर बर्फ है तो इसमें डाल के लाओ। जी मैं अभी बर्फ डाल कर लाती हूँ। मायरा, तुम्हारी दोस्त नजर नहीं आई उस दिन के बाद। बिजी होगी, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो उसका? वैसे पता है अच्छी दोस्त नहीं हो तुम। अच्छा, और ये इल्हाम तुम्हें कब हुआ? बस हो गया, तुम्हें अपनी दोस्त को फोन करके उसका हालचाल पूछना चाहिए, कहीं बुखार बुखार ना हो गया उसे। अब पता है वैसे भी शहर में आजकल बुखार के मरीजों की तादाद बहुत बढ़ी है, तो फोन करके पूछो उसे। बल्कि काम करो, मुझे उसका नंबर दो, मैं उसे कॉल करके तुम्हारी तरफ से खैरियत पूछता हूँ। अच्छा यार मैं डायल कर देता हूँ, तुम ही बात कर लेना। दोस्त हो मेरी है और फिक्र तुम्हें हो रही है? अरे यार तुम्हारी दोस्त है इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके घर में उसकी बड़ी बहन और दूल्हा भाई होते हैं अक्सर, उनकी मौजूदगी में वो घर से नहीं निकलती। क्यों, बहन और बहनोई रोकते हैं क्या? बहनोई थोड़े सख्त हैं। उसके बहनोई फारिग है क्या? मेरा मतलब सारा वक्त तुम्हारी दोस्त के घर ही रहते हैं या कुछ काम वाम भी करते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम नंबर तो दो उसका। मैं तुम्हें उसका नंबर क्यों दूं? उधार लेना है उससे। क्या यार, एक तो तुम लड़कियां सवाल बहुत पूछती, क्यों चाहिए नंबर, क्यों दूं, बस चाहिए दे दो। शावेज वहां एक शरीफ लड़की है और उसके घर का माहौल ना बहुत मुख्तलिफ है। मायरा मैं भी एक शरीफ लड़का हूँ, मेरे घर का माहौल भी बहुत मुख्तलिफ है और ये बात तुम जानती हो, मगर सच कहूं तो मुझे वो अच्छी लगने लगी है। क्या एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान के साथ दोस्ती नहीं कर सकता? तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैंने अम्मी को बता देना है। माफ करो बाबा, एक तो तुम बिल्कुल भी हमराज नहीं हो, बच्चों की तरह अम्मी को बता देना मैंने जैसी धमकियों पे गुजारा है तुम्हारा। और जो तुम समझ रही हो ना कि मैं उसे कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं, बस मुझे वो अच्छी लगी है यार। इतनी सी बात है बेवकूफ लड़की, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि माहम को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। और एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ की ना तो तुम्हें पता है हम दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मार देगी वो मुझे अगर से पता चले कि मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया है। मैं उसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे फोन से चुराया है। झूठ बोलोगे? अरे यार मैं उसे ये सवाल पूछने का मौका ही नहीं दूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल ही ना पूछे। मुझे यकीन है कि वो मेरी रिक्वेस्ट का मान जरूर रखेगी। शाजिया, अरे भाई शाजिया, तुम ये कप चाय पिला दो, यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या हुआ? अरे यार एक चाय के कप की राह तकते तकते ये आंखें थक गई हैं, लग रहा है जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। चलो भाई घर चलते हैं, सर दर्द से फटा जा रहा है। चलो मैं भी देख कर आता हूँ। हम माहम कब से वो एक कप चाय मांगे चले जा रहे और चाय नहीं बन के दे रहे। एक वो है जो तुम लोगों के लिए मरे जाते हैं। तैयार होके जाते हैं। रहने दो तुम,
तोड़ कर खड़े हो गए थे घर जाने के लिए। मैं शर्मिंदा होती हूँ, पता नहीं क्या सोचते होंगे। कहा ना शाजिया, आपकी चाय तैयार है, आप हटी में देकर आते। सुनो, चीनी का है? वो तो पकाते वक्त डाल दी थी एक चम्मच, जैसे आपको पसंद है। तुम लोग ये कैसे फैसला कर लेते हो कि आज मैं कितनी चम्मच चीनी पीऊं? हैं? भाई इंसान हूं ना मैं, इंसान एक चम्मच से ज्यादा भी चीनी पी सकता है किसी दिन। जाओ लेकर आओ चीनी। आपकी सर में दर्द है तो गोली लेकर आऊं? नहीं। तो मैं सर दबा देती हूँ। अरे नहीं भाई, सुनो, ये तुमने कागजात की बात की है? मैं मौका देखकर करती हूँ। अरे कौन सा मौका देख के करोगी, इसी काम के लिए तो बैठा हुआ हूं मैं। छोटा सा काम तुमसे कहा है, वो नहीं हो रहा। हो गई चाय तुम्हारे इन चीनी के चक्रों में। इधर आओ, इधर आओ, ये पकड़ो और तुम पी लो। मैं बनाकर डालती हूं, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सारा काम मेरे सर पर डाला था, पर से फिर अम्मी अब्बू का लाड प्यार। मैं अभी लेकर आती हूं। इस घर में एक ढंग की चाय नहीं मिलती। हेलो, हेलो। मैं उस दिन से अभी तक आपका इंतजार कर रहा हूं। काश एक बार फिर मायरा का बर्थडे आ जाए और आप केक पर जलती हुई कैंडल्स लेकर दोबारा गेट पर बेल दें। कौन बात कर रहे? समझें तो सभी कुछ, ना समझें तो कोई भी नहीं। जी मुझे यकीन है कि आप मुझे पहचान गई होंगी। आपने शायद गलत नंबर पर फोन किया है, मैं नहीं पहचानी। खुदा हाफिज़। मैं शावेज बात कर रहा हूँ, मायरा का कजन। वैसे मुझे तो लगा था कि आप मेरी बर्थडे भी याद रखेंगी, मगर आप तो मुझे ही भूल गए। वैसे कल मेरी भी बर्थडे है, याद रहेगी ना आपको? आपको मेरा नंबर किसने दिया? अब वो एक बुजुर्ग ने दिया, कल रात को आए थे ख्वाब में। ए मोहब्बत का वजीफा रात जाकर पढ़ो ना तो नंबर मिल ही जाता है। मायरा ने नंबर दिया, ऐसे कैसे कर सकती है वो? वो नहीं दे रही थी। मैंने उसको बहुत यकीन दिलाया कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, बस सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जितनी जरूरी। कोई फजूल बात नहीं करूंगा आपसे, वगैरह वगैरह। आप हमेशा इतना ही बोलते हैं? नहीं नहीं, अच्छा खासा कम बोलता हूँ, लेकिन जब कोई पसंदीदा शख्सियत सामने आ जाती है ना तो फिर बोलता ही चला जाता हूं, खुद को रोक ही नहीं पाता। माहम, ये सब लोग कहाँ हैं? कहीं गए हुए हैं क्या? दूल्हा भाई, हो सकता है साथ वाली खाला के घर गए हों, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? एग्जाम सर पर है ना तुम्हारे, या इस दफा फेल होना है? नहीं, वो मायरा का ही फोन था। मायरा तो है ही फारिग,
तुम तो नहीं हो।